वर्ष हुई भारी बारिश से तहसीलों में हुए नुकसान का जायजा लेने हेतु क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री सुनील की अध्यक्षता में पंचायत समिति सावनेर के सहकार महर्षि स्वर्गीय बाबा साहेब केदार सभागृह में संपन्न हुई। अड़ावा बैठक में उप विभागीय अधिकारी अतुल महत्रे, तहसीलदार प्रताप वाघमारे, नागपुर जिला परिषद उपाध्यक्ष सुमित्रा मनोहर कुम्भारे, वरिष्ठ नेता मनोहर कुम्भारे, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन जायसवाल आदि की प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुनील केदार ने सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष हुई बारिश जैसी बारिश नहीं देखी। जितनी बारिश वर्ष भर में होती है उससे ज्यादा बारिश जुलाई माह के शुरुआत में ही दर्ज हो गई, जिसके चलते जान माल की तो हानि हुई ही, साथ में सैकड़ों घर बारिश की भेंट चढ़े। वहीं हर गाँव में पेयजल आपूर्ति के कुएं और बोर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान किसान भाइयों का हुआ। हजारों हेक्टेयर जमीन की कपास, तुअर, सोयाबीन, जवार आदि फसलें बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। तो वहीं संतरा मौसम्बी की फसल भी भारी बारिश के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुई है। नागपुर जिले में सावने तहसील में हुई भारी बारिश के कारण यह तालुका बाढ़ग्रस्त की स्थिति में है। ऐसे में तहसील, कृषि और सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर सेवक, सरपंच, ग्राम सदस्य अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर जितने जल्दी सर्वेक्षण का कार्य करेंगे उतने ही जल्द हम पीड़ितों को मुआवजा दिला पाएंगे। इस सर्वेक्षण में कोई भी बाढ़ पीड़ित छूटे न, इस बात को ध्यान में रख कर सर्वेक्षण करने के आदेश इस आढ़ावा बैठक में पूर्व मंत्री सुनील केदार ने दिए। तो वहीं उप विभागीय अधिकारी अतुल महत्रे ने अपने प्रस्ताव में बताया कि सावने तहसील के सर्वेक्षण का कार्य लगभग 90% पूर्ण होने को है। आगामी 2-3 दिनों में 100% सर्वे और लिस्ट तैयार होकर शीघ्रता से नुकसान भरपाई के आंकड़े सामने आने और जो बाढ़ पीड़ित गलती या नजरअंदाज से छूट गए हैं उन्हें भी जोड़ने के दिशा निर्देश तहसील मंडल अधिकारी, पटवारी, बीडीओ, कृषि अधिकारी आदियों को दिए जाने की बात कही। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य प्रकाश खापरे, पंचायत समिति सदस्य राहुल तिवारी, अश्विनी कारोकार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। खरीफ हंगाम जो आपला आहे, खरीप हंगाम, त्या खरीप हंगामाचा आता जवळजवळ आपल्या ठिकाणी सगळं सगळं नुकसान झालेलं आहे आणि आता पेरणी करून काही खरीप हंगाम होत नाही, कुठलं पीक लावतो म्हणून आपल्या सगळ्याचा मॅक्झिमम फोकस कृषी वर जातो। मॅक्झिमम फोकस हा आपला आता रबी हंगामाकडे सावनेर से NBCN न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।